Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. Assalamu alaikum dosto, I am Khurshid Ahmed Shah, aap dekh rahe hain Park Tech Review channel. Dosto jo hamare channel pe naye hain, sabse pehle hamare channel ko subscribe karein, bell icon ko dabaye taki hamari aane wali latest video sabse pehle aapko mile. दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप खरीद से होंगे. आज की हमारी जो वीडियो है वो बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पे बनाई गई है. काफ़ी लोगों का ये कहना है कि आप इस बारे में वीडियो बनाएं कि क्या हमारा मोबाइल 20 अक्टूबर को बंद हो जाएगा. तो दोस्तों आपने शुरू से लेके एंड तक जो है हमारी वीडियो मुकम्मल देखनी है और बहुत ही गौर से देखनी है ताकि आपको मालूम हो जाए कि क्या आपका मोबाइल बंद हो जाएगा या नहीं होगा. दोस्तों सिंपल सा तरीका है, काफ़ी लोगों ने यह अफवाह फैलाई हुई है कि आप अपना IME नंबर 8484 पे सेंड करें और आपका रजिस्टर हो जाएगा. तो दोस्तों इस तरह नहीं होता. मैं आपको जो तरीका बताऊंगा आपने वो तरीका अपनाना है, उससे आपका जो है मोबाइल रजिस्टर हो जाएगा. दोस्तों सबसे पहले आपने करना है कि अपने मोबाइल से डायल करना है *#06#, जिससे आपका IME नंबर आ जाएगा. दोस्तों आपने वो नंबर साइट पे एक साइट पे लिख लेना है. उसके बाद आपने राइट मैसेज में जाना है, वहाँ पे जाके आपने 8484 लिखना है, यानी कि 8484 लिखना है, और वहाँ पे अपना IME नंबर लिखना है, उसको आपने सेंड कर देना है. तो दोस्तों आपको चार किस्म के, यानी कि 4 किस्म के आपको रिप्लाई आ सकते हैं. पहला रिप्लाई आपको आ सकता है कि IME नंबर कंप्लेंट. कंप्लेंट का मतलब दोस्तों ये है कि आपका GSM से भी रजिस्टर है, उसके अलावा PTA से भी रजिस्टर है. दूसरा रिप्लाई आपको आ सकता है कि इस वैलेट IME नंबर इस वैलेट. वैलेट का मतलब ये है कि आपका PTA से रजिस्टर नहीं है, तो GSM से रजिस्टर है. तो दोस्तों तीसरा आपको आ सकता है नॉन कंप्लीट. नॉन कंप्लीट का मतलब दोस्तों ये है कि आपका दोनों से रजिस्टर नहीं है. तीसरा आपका आ सकता है कि IME नंबर ब्लॉक. ब्लॉक का मतलब ये है कि आपका ये मोबाइल चोरी का भी हो सकता है, उसके अलावा ये मोबाइल है भी नहीं है, और ये 20 अक्टूबर को हर सूरत में ये बंद हो जाएगा. दोस्तों जो पहला है, जो इस कंप्लेंट वाला ऑप्शन है दोस्तों, उनको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, उनका ऑटो रजिस्टर है. दूसरा जो दोस्तों आएगा इस वैलेट जो आता है, उससे दोस्तों आपने रजिस्टर कराने के लिए आपको सिर्फ सिंपल सा तरीका होगा. अगर आप उसमें टेलीनॉर की या जोम की सिम डाल के यूज़ कर रहे हैं, आप कोई और सिम उसमें डाल के उसके बाद आपने 1 मिनट की कॉल करनी है, उसके बाद 1 SMS करना है और इंटरनेट भी चलाना है, तो आपका ये रजिस्टर हो जाएगा. आपको कहीं भी किसी भी शॉप पे जाने की ज़रूरत नहीं है कि आप किसी भी शॉप पे चले जाएं, उनको बोलें यार कि मेरा रजिस्टर कर दें. कोई ऐसी वेबसाइट नहीं है, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं है. जी हाँ दोस्तों, तो जो दूसरा है जो आपका आता है नॉन कम्प्लीट आता है. जी हाँ दोस्तों, तीसरा नंबर पर जो नॉन कम्प्लीट आता है उसका मतलब ये है कि आपका PTA से भी रजिस्टर नहीं है, उसके अलावा आपका GSM से भी रजिस्टर नहीं है. तो उनको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो जो सिम अपने मोबाइल में यूज़ कर रहे हैं वही सिम चलाते रहें, इंटरनेट भी चलाते रहें, कॉल भी चलाते रहें, उनका 20 अक्टूबर के बाद वो रजिस्टर हो जाएगा, लेकिन उसमें जो है वही वाली सिम चलेगी. तो दोस्तों उसके अलावा जो बटन वाले मोबाइल हैं, कीपैड वाले मोबाइल हैं दोस्तों, उनको भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है. उनका भी ये सिंपल सा तरीका है, उन्होंने अपने मोबाइल में कोई भी सिम डाल के उससे डायल करें, यानी कि *#06# डायल करके उसका IME नंबर एक साइड पे नोट करके उसी तरह 8484 पे SMS कर दें, तो उनको भी इसी तरह रिप्लाई आ जाएगा और उनको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है. उन्होंने क्या करना है, अपने मोबाइल में कोई भी सिम डाल के, कोई भी सिम डाल के एक कॉल कर लें, एक SMS कर लें, उसके बाद उनका खुद ब खुद रजिस्टर हो जाएगा.
कोई किसी किस्म की आपको कॉल आती है कि भी मैं पीटीआई से बात कर रहा हूँ, आप मुझे 1500 या 2000 रुपया सेंड कर दें तो मैं आपका मोबाइल रजिस्टर कर दूंगा, आपको इस तरह करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों इस पे मैंने पहले भी वीडियो बनाई है, उसमें कोई मुझे भी कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो मैंने पीटीआई से रब्ता भी किया है, उनकी वेबसाइट पे भी मैं गया हूँ, तो मुझे यही मालूम हुआ है कि ये सबसे अच्छा तरीका है, इससे आपका मोबाइल ऑटोमेटिक रजिस्टर हो जाएगा। कुछ लोगों ने ऐसे ही अफवाहें फैलाई हुई हैं कि भी आपका बंद हो जाएगा, सारे मोबाइल बंद हो जाएंगे। मोबाइल दोस्तों वो मोबाइल बंद होंगे, जैसे कि फ़र्ज़ करें कि आपने बाहर से मोबाइल परचेज़ किया है, तो उसमें आप किसी किस्म की सिम नहीं डालते पाकिस्तानी, उसको आप यहाँ पे आके किसी भी जगह पे रख देते हैं, उसके बाद जब आप उसमें कोई सिम ही नहीं डालेंगे, कोई किसी किस्म की सिम नहीं डालेंगे, कोई लॉक नहीं खुलवाएंगे, तो वो आपका ऑटोमेटिक 20 अक्टूबर को बंद हो जाएगा। तो दोस्तों हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो दोस्तों को शेयर भी करना है और लाइक भी करना है, ताकि जब भी हमारी वीडियो आएगी सबसे पहले आपको मिलेगी। दोस्तों आई एम खुर्शीद अहमद शाह, आप देख रहे हैं पाक टक रिव्यू चैनल। दोस्तों अल्लाह हाफिज़।